बाल विकास से संबंधित टॉप 50 प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास लर्नर में। प्रश्न पहला है, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका उत्तर है रुडोल्फ। दूसरा, बाल विकास की किस अवस्था को संवेदना तथा ज्ञानेंद्रियों से सीखने की अवस्था माना जाता है? तो उत्तर है इसका जन्म से 2 वर्ष। तीसरा, बालक स्वार्थी तथा स्वकेंद्री किस अवस्था में होता है? जन्म से 2 वर्ष तक। बाल विकास की किस अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है? जन्म से 2 वर्ष। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसे जाता है? विलियम जेम्स। शिकागो विश्वविद्यालय में पहली वृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई? जॉन डीवी। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। प्रभाव का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक। अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है, यह परिभाषा किसने दी? पावलोव। तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो, यह कथन किसका है? जेबी वॉटसन। तार्किक चिंतन की अवस्था किस काल को कहा जाता है? किशोरावस्था। टोली, दल, समूह की आयु किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में की जा सकती है, किसने कहा? विलियम जेम्स। संक्रमण काल की अवस्था या संक्रांति काल किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को। संक्रमण काल की अवस्था सभी अवस्थाओं में सबसे अधिक आनंदमयी एवं उपलब्धियों को अर्जित करने वाली अवस्था, जिसे सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है, कौन सी है? किशोरावस्था। मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, यह परिभाषा किसने दी? गैरिसन। संघर्ष व तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? किशोरावस्था। वैचारिक क्रिया अवस्था किस काल को माना गया है? बाल्यावस्था। इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना 1922 में किसने की थी? प्रोबोस। आत्मसम्मान व आत्मस्वीकृति की अवस्था का काल किसे कहा जाता है? किशोरावस्था। कार्ल सनिक ने किशोरावस्था का काल किस आयु तक माना है? 12 से 21। शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, जिस पर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर लिखता है, यह कथन किसका है? जॉन लॉक। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक है? विलियम स्टर्न तथा कुहलमान, 1912। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने। मनोविज्ञान को मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन किसने बताया है? क्रो ने। शिक्षा तथा समाज पुस्तक किसकी रचना है? जॉन डीवी। बालक के मन तथा व्यवहार का अध्ययन करने वाली शाखा किस नाम से जानी जाती है? बाल मनोविज्ञान। किसने मनोविज्ञान को मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान बताया है? मॉर्गन। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी रचना है? विलियम जेम्स। मनोविज्ञान की आधारशिला
किस पुस्तक को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी? सीखना अनुभव परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है, यह परिभाषा किसने दी? क्रोनबैक। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से है, कथन किसका है? महात्मा गांधी। अनुभव के माध्यम से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है, यह परिभाषा किसने दी? क्रोनबैक। बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है, किसने कहा? फ्रोबेल। गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? बाल विकास। अभ्यास व अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन सीखना है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? मार्गन व किंग। रूसो की किस पुस्तक से उसके द्वारा बच्चों की शिक्षा के अध्ययन की जानकारी मिलती है? एमिल। प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम का अभिप्राय है, यह परिभाषा किसने दी? एसएस चौहान। बाल विकास के महत्व को सर्वप्रथम किस दार्शनिक ने अपनी पुस्तक के माध्यम से प्रकट किया? प्लेटो। आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? क्रो एवं क्रो। द रिपब्लिक किसकी रचना है? प्लेटो। इटली में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की? जोहन अमोस कॉमेनियस। पहली बार किस पुस्तक में बालक की प्राथमिक शिक्षा एवं पाठ्य सामग्री को चित्रों के माध्यम से आकर्षक बनाया गया? ऑर्बिक विक्टस। प्रसिद्ध पुस्तक ऑर्बिक विक्टस की रचना किसने की? जोहन अमोस कॉमेनियस। लैटिन शब्द साइकी का क्या अर्थ है? आत्मा। क्रमबद्ध चरित्र लेखन पद्धति के जनक कौन है? प्रेयर। किसके अनुसार बाल मनोविज्ञान में जन्म से परिपक्वावस्था तक का अध्ययन किया जाता है? जेम्स ट्रेवर। बाल विकास को गर्भावस्था प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन किसने माना है? क्रो एवं क्रो ने। किसके अनुसार बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है? मारिया मोंटेसरी। बाल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक 32 पुस्तकें किसने लिखी? जीन पियाजे। ये रहा आज का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।